सीतापुर में पंचायत चुनाव के नतीजे आने लगे हैं और हम आपको बेहटा ब्लॉक का हाल बताने जा रहे हैं, जहां पर आई इंडिया के संवाददाता सलिल श्रीवास्तव ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वो आपको जानकारी दे रहे हैं। वहां पर जो नतीजे अब तक सामने आए हैं उसके बारे में बताएंगे, साथ ही वहां पर क्या कुछ चल रहा है इस बारे में भी हम जानकारी करेंगे। सलिल बताइए, क्या किस पद पर कितने नतीजे आ चुके हैं, कौन जीता कौन हारा? यहाँ बेहटा ब्लॉक के 94 ग्राम पंचायतों की आज मतगणना केपीएस डिग्री कॉलेज संभोर में काफी देर से प्रारंभ हुई। करीब 10 बजे के बाद प्रथम चरण की मतगणना प्रारंभ हुई और अभी तक केवल प्रधान के 3 जो है परिणाम आ चुके हैं। एक मुनिला से आया है, खरगी वहाँ से जीते हैं 127 मतों से, और दूसरा परिणाम जो आया है बेहटा पकौरी का आया है, नेहा वर्मा वहाँ 74 मतों से विजयी हुई हैं, और तीसरा परिणाम आया है मुगलपुर से सियाराम जो कि 67 मतों से विजयी हुए हैं। कुल यहाँ पर 14 न्याय पंचायत हैं, 14 न्याय पंचायतों की एक विधानसभा का परिणाम जो है आना अभी बाकी है, कुछ 3 का आ गया है, लेकिन दूसरे चरण की मतगणना चल रही है, इसमें खाने का समय हो गया है, सभी कर्मचारी जो है भोजन करने में लगे हुए हैं और देर हमें लगता है कि काफी देर में जो है देर रात तक ये दूसरे चरण का जो है हो पाएगा। सलील ये बताइए, क्या जिला पंचायत जो सदस्य हैं उनके पदों की जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है, और अगर शुरू हो चुकी है तो क्या स्थिति है वहाँ पर? के मतगणना पहले चरण की कुछ जगह पर पूरी हो गई है, बाकी अभी कुछ जगह पर रहेगी। काफी धीमी मतगणना हो रही है यहाँ पे, काफी धीमी गति से, और जो सुबह कम हुई थी काफी देर से, और उम्मीद है कि वो कल तक तो हो ही पाएगी दूसरे दिन, लेकिन काफी धीमी मतगणना चल रही है यहाँ पर। काफी लोग जो है इकट्ठा है सुबह से, लेकिन काफी मतगणना धीमी होने के कारण काफी परेशान है। तो आई इंडिया के दर्शकों को एक बार फिर बता दें, ब्लॉक बेहटा में जो प्रधान पद पर जो परिणाम सामने आए हैं उसकी जानकारी आई इंडिया के संवाददाता सलील श्रीवास्तव ग्राउंड जीरो से दे रहे थे। एक बार फिर सलील, जो परिणाम आए हैं उनको जरा दर्शकों को फिर से बताइए। 3 परिणाम आज आए हैं ग्राम प्रधानों के, इसमें मुड़ीला से खरगी 127 मतों से विजयी हुए हैं, बेहटा पकौरी से नेहा वर्मा 74 मतों से विजयी हुई हैं, और मुगलपुर से सियाराम 67 मतों से विजयी हुए हैं। ये 3 जो है परिणाम अभी तक हमारे सामने आए हैं। चलिए, और जैसे जानकारी मिलती है हम आपसे जुड़ेंगे और अपने दर्शकों को आपसे जानकारी दिलाने का काम करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए और नजर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।